एक भी खिलाड़ी ऐसा बता दो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यकाल रहा 10 साल और उसमें से एक खिलाड़ी बन के आज कहीं मेडल जीत के ले आया हो, जो 10 साल के कार्यकाल में इन्होंने डीएसपी बनाए, इंस्पेक्टर बनाए, जबकि वो डीएसपी इंस्पेक्टर नहीं बनाने थे, वो खेल अधिकारी बनाने थे, स्पोर्ट्स ऑफिसर बनाने थे। जो डीएसपी का वेतन होता है उससे चाहे 4 गुना ज्यादा उनका वेतन कर देना था, पर उनको रखना था खेल के मैदानों में जिससे और बच्चे तैयार हो सके। अब बहुत सारे भाई कहेंगे कि हुड्डा साहब ने तो प्रत्येक गांव में स्टेडियम बना दिए थे, तो आज उन स्टेडियमों की ऐसी हालत हो रही है पूरे हरियाणा में कि उनके अंदर इंदिरा घास लगी हुई है। और यहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल से पहले हर गांव में अखाड़े होते थे, हर गांव में कुश्ती करी जाती थी, कबड्डी करी जाती थी, कोई ना कोई खेल खेले जाते थे। आज 100 गांव को भी हम देखें तो उन एक गांव में कोई अखाड़ा चलता पाएगा, नहीं तो सारे अखाड़ों में आकटा के पेड़ जमे हुए। ये हुआ क्यों? क्योंकि जो खिलाड़ी मैदान में रखने थे अपने हुनर से दूसरे बच्चों को तैयार करना कर सकते थे, उनको एक भारी भरकम राशि दे के और उनको डायरेक्ट डीएसपी लगा दिया, जबकि डीएसपी एक अलग लाइन है पुलिस की। उनका हुनर, उनका तजुर्बा खेल में था, उनको खेल अधिकारी नहीं बनाया, तो इसका क्रेडिट किसको जाएगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाएगा। आज जो भी ओलंपिक में मेडल लेके आए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल के अंदर उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। वो अपने दम पे लेके आए हैं, गरीब परिवारों के हैं, खुद मेहनत करी है, खुद ऊपर आए हुए। तो अगर इतनी अच्छी पॉलिसियां थी 10 साल की हुड्डा सरकार की, तो फिर खिलाड़ी क्यों नहीं निकले? उत्तर पश्चिम यूपी के अंदर एक दौरा वो था जब सबसे ज्यादा कबड्डी के और कुश्ती के हिंद केसरी निकलते थे, हिंद केसरी। और आज एक वो दौरा है कि वहां पर आज के दिन कोई खिलाड़ी ही नहीं निकल रहा, कोई कुश्ती वाला ही नहीं निकल रहा, और तो छोड़ो कोई 1100 2100 के इनाम का भी कोई पहलवान नहीं निकल रहा। पूरे उत्तर पश्चिम में पूरे अखाड़े बंद हो चुके हैं, आकटे के पेड़ जाम चुके हैं। और ऐसा ही 10 साल की पॉलिसी थी हुड्डा सरकार की कि हर एक गांव में अखाड़े एक तरह से बंद कर दिए। एक ओलंपिक मेडल वाले को 4 करोड़ रुपया दे रहे थे ये हुड्डा सरकार, और जो एक बॉर्डर पे शहीद होया जवान उसको 50 लाख रुपया। देख कितनी बड़ी भेदभाव की इनकी राजनीति थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। जिसने सर्वोच्च बलिदान दे दिया उसके परिवार को गुजर बसर करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपये, और जबकि हरियाणा का हर 10वां जवान है बॉर्डरों के ऊपर, 3.25 लाख हरियाणा के अंदर पूर्व सैनिक है, 2 लाख से ज्यादा सर्विस पर्सन बॉर्डरों के ऊपर खड़े होके देश की रक्षा कर रहे हैं। अगर पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बल वाले जवानों को भी मिला लें तो 2.5 लाख के करीब वो रिटायरमेंट है, और 1.5 लाख से ऊपर वो भी बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, पता नहीं असम राइफल, इनमें सब में सेवा दे रही। अगर इनकी सब के परिवारों की वोट लगा ले, जो हरियाणा में 1.75 करोड़ वोट है, तो 70 लाख तो इन जवानों की वोट है। पर पिछले 10 साल में इन्होंने जवानों के नाम से कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर मैं तो यह मानता हूं कि हरियाणा में अगर कोई मुख्यमंत्री जब जवानों का नाम लेकर जवानों के लिए कुछ अच्छा करे तो मैं उसको मुख्यमंत्री मानता हूं, क्योंकि हरियाणा की भूमि ऐसी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा जवान है, सैनिक है।
आज आप देख लो कांग्रेस के जितने ये 28 विधायक हैं, आपको पिछले 10 साल में कहीं नजर नहीं आए होंगे। अभी 2 महीने हो गए, अभी ये चप्पल उठा के घूम रहे हर जगह। भाई उठा के घूमेंगे ही, जब अपना दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, जब उनको संघर्ष करना था, जब उनको राज्यसभा में भेज दिया 60-60 करके, तब वो कार्यकर्ताओं का हक खा गया राज्यसभा में पूछ के, उसके बाद में राज्यसभा से निकल के लोकसभा में पूछ गया, तब वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हक खा गया और कह रहे हैं कि विनेश फोगाट को हम राज्यसभा में पूछा देते। आपको लगता है कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा बाप बेटा किसी को राज्यसभा में पूछने देंगे? ये किसी को नहीं पूछने देंगे। आज जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो सहनशीलता का चेहरा था, सरापत का चेहरा था, वो चेहरे को तो धो दिया नायब सैनी ने, और ऐसे फैसले ले रहा है जो आज तक आजादी के बाद में भी वो फैसले नहीं हुए होंगे। सड़क लेवल के फैसले ले रहा है। इन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक नॉर्मल नायब सैनी इतने ग्राउंड लेवल के फैसले ले जाएगा। तो हवा तो टाइट हो रखी है। आज आप खुद देखो कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब, मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा, अगर कोई भाई साहब आप लोगों से हिसाब मांगने लग जाएगा, दादरी तवे रिलायंस को दी हुई जमीन का और ये रोहतक बाईपास चारों तरफ के जो ये बाईपास निकलवाया है और इसकी जमीन एक्वायरमेंट करी है, इसका हिसाब मांगने लग जाएगा आम किसान या उनके बच्चे या आने वाली उनके पोते तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पर उनसे ये किस चीज का हिसाब मांग रहे हैं? अगर मांगना है तो भाई ये हिसाब दे सकते हैं कि पिछले 10 साल में इन्होंने जज्जर रोहतक सोनीपत में दूसरा नेता क्यों नहीं बनने दिया। अगर आज मैं खेल लो की बात पे वापसी आता हूं, मैं थोड़ी राजनीति ले गया था बात को, कि खेल लो के अंदर अगर हरियाणा से खत्म करने का किसी को क्रेडिट जाता है तो वो जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, उनके गलत निर्णय से कि खिलाड़ियों को डीएसपी बनाना, ना कि उनको बनाना था जो स्पोर्ट्स ऑफिसर है, डिप्टी ऑफिसर है, उनकी तनख्वाह करनी थी, पीएमओ का जो सेक्रेटरी लेता है लाखों की वो करनी थी। आज वो सारे खिलाड़ी विदेश के अंदर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और वहां पे आइसक्रीम खाते हुए पोस्ट डाल रहे, एक भी खिलाड़ी मैदान में नहीं आ रहा जिनको पिछले 10 साल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिनको डीएसपी बनाया, मतलब उनके हुनर को वहीं की वहीं जाम कर दिया, इससे खिलाड़ी बाहर ही नहीं निकले। और तो छोड़ो, अखाड़े खत्म हो गए पूरे हरियाणा से। आज के दिन कहीं 100 गांव में जाओगे तो 1 या 2 गांव में अखाड़े मिलेंगे, कुश्ती करता कोई मिलेगा नहीं। और ऊपर से जो सुबह सुबह के समय दौड़ लगाते हुए आपको नौजवान मिल जाते थे सेनाओं की तैयारी करते हुए, और स्टेडियम के अंदर भी और बाहर भी जो घास जमी हुई थी, पर एक गोलधारे के अंदर उसमें घास नहीं उगी हुई थी क्योंकि वहां पे नौजवान रेस मारते थे, सेनाओं की तैयारी करते थे। अब उनको खत्म कर दिया मोदी जी ने अग्निपथ योजना लाके। अग्निपथ योजना से अब वो नौजवान या तो अपने फैक्ट्रियों में जाने लग गए, या कोई अपना मोटरसाइकिल का खोलने जोड़ने का काम सीखने लग गए, या अपने एडमिशन ले लिया आगे की क्लासों में। जिस तरह से मोदी की योजना आई अग्निपथ योजना, और जिससे नौजवानों के अंदर जो उत्साह था सेनाओं में जाने का वो खत्म कराया किसने? मोदी ने अग्निपथ योजना लाके 4 साल की। उसी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले 10 सालों में खिलाड़ियों को रगड़ दिया एक तरह से। यहाँ के पूरे जो खिलाड़ी आज के दिन और भी ज्यादा लेके आते, उनको समाप्त कर दिया, उनका हुनर नहीं मिल पाया। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये महावीर फोगाट ने कही है,
ये महावीर फोगाट ने कही है कि हरियाणा से खेलों को खत्म करने का क्रेडिट किसी को जाता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाता है, क्योंकि उन्होंने उन खिलाड़ियों को डीएसपी बना के उनकी झोलियां भर दी, जिसके कारण वो आज तक वापसी मैदान में नहीं आ सके और ना ही दूसरे बच्चों को तैयार कर सके, जबकि उनको डीएसपी नहीं बनाना था, उनको बनाना था खेल अधिकारी, स्पोर्ट्स अधिकारी। अगर किसी को इनाम भी देते हो तो उससे पहले लिखवाना था कि आपका अगला जो कार्य होगा तो नए बच्चों को तैयार करने का होगा। तो नए बच्चे तो तैयार हुए कौन है भाई? तो ऐसे है भाई, आने वाला समय ऐसा है क्योंकि अक्टूबर में इलेक्शन होने वाले हैं और बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस के जितने विधायक हैं इनसे लोगों का मोह भंग है। लोगों के अंदर एक भी 90 विधायकों में से अपनी जगह नहीं बना सके अभी तक, इन 5 सालों में तो एक भी विधायक ऐसा नहीं है हरियाणा में 90 में से जो लोगों के अंदर अपनी छवि को बना चुका हो, जो अपना स्थान रखता हो। 90 के 90 में से सारे चापलूस, ना किसी को ज्ञान, ना किसी को शिक्षा से मतलब, ना स्वास्थ्य से मतलब, सिर्फ चापलूसी से मतलब। तो आने वाले में यह है कि अगर जित बीजेपी नए चेहरों के लेके आएगी तो बीजेपी सरकार बनाएगी हरियाणा में, और कांग्रेस अगर नए चेहरों को लेके आएगी तो कांग्रेस सरकार बनाएगी। पर कांग्रेस सरकार तभी बना सकती है जब भाई इनको पीछे किया जाए, रोहतक वालों को, मैं भी रोहतक का ही हूं वैसे, पर वो नाम कहते ना कि इनको दोनों को पीछे किया जाए। और कांग्रेस ने जो विनेश फोगाट है उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। विनेश फोगाट सैन्य शक्ति की मूर्ति है और जो उसके अंदर ताकत है ना लड़ने की, संघर्ष करने की, किसी बंदे में नहीं हो सकती। मूर्ति है मतलब ये, कह सकते हैं हम कि कूट कूट कर उसके अंदर सहनशीलता और संघर्ष करने की जो जुनून भर रखा है परमात्मा ने, वो काबिले तारीफ है। ब्रिज मो वो क्या नाम है वो बिरजू जो ये इनका भाई जिसके ऊपर वो आंदोलन कराया था, ब्रिजमोहन, उसने पता क्या कहा है कि विनेश फोगाट ने मेरा नाश कर दिया। उस व्यक्ति ने जिसके खिलाफ आंदोलन कराया था, जिसको हम कहते हैं कि ये सबसे ताकतवर है, उसने क्या कहा कि मेरा सत्यानाश कर दिया एक लड़की ने, विनेश फोगाट ने। उसने ना इसका बजरंग पुनिया का नाम लिया, ना दूसरे खिलाड़ियों का नाम लिया, क्योंकि वैसे भी इनका ये वैसे भी अहंकारी खिलाड़ी है, पर इसमें विनेश फोगाट एक ऐसी खिलाड़ी थी जो अपने लिए संघर्ष नहीं किया उसने, ना ही उसको कोई तकलीफ थी, ना ही उसके साथ में कुछ होया था। वो जो खड़ी हुई वो दूसरे खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए कि आने वाले समय में जो मेरी बच्चियां हैं, मेरी बेटियां हैं छोटी छोटी, 10 साल की है, 15 साल की है, 17 साल की है, उनके साथ में कोई शोषण ना कर सके। विनेश फोगाट ने उनके लिए अपना कैरियर दांव पर लगा दिया। हाँ, इनकी जो बजरंग पुनियार है या दूसरे खिलाड़ी है, इनकी आपस में कुछ थी, ये भी अपना कुछ हिसाब किताब करना चाह रही थी, पर विनेश फोगाट नहीं करना चाह रही थी। तो कितनी ताकतवर लड़की है ये, अगर ये हरियाणा की मुख्यमंत्री बनती है तो भाई हरियाणा के अंदर तो बहुत ज्यादा वाकई में हरियाणा पूरे विश्व में अपनी जगह बनाएगा, क्योंकि एक गरीब परिवार की लड़की और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठती है तो ये बहुत बढ़िया। और कांग्रेस को आज घोषणा भी करनी चाहिए, जो कांग्रेस भाई, कांग्रेस में तो राहुल गांधी है, राहुल गांधी को बिल्कुल घोषणा करनी चाहिए कि विनेश फोगाट के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे।
भागने दो, ये भाग लेंगे, कुछ नहीं है इनके पास में। क्योंकि अगर एक गरीब की लड़की जब मुख्यमंत्री बनेगी तो पूरा प्रदेश उसका साथ और समर्थन करेगा। अब तो ये इनके ऊपर है। और दूसरा तो भाई दोनों पार्टियों में आपने पता है 80-80 साल के हो रहे हैं पर कुर्सी कोई साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो चौटाला वाली बात फिर याद आवे है, जो वो शपथ ग्रहण करने के लिए जा रहे थे तो एक बोला मैं करूंगा पहले, मैं बनूंगा, एक बोला मैं बनूंगा, ने बोला दोनों ने पकड़ लो, मैं ही शपथ लेके आता हूं चंडीगढ़ से। तब तक तो लेके आ गया था, तो वही कहावत ही आम। तो ये है भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि इन दोनों को पीछे करो। और दूसरी बात भाई, जो पिछले 20-25 साल से चाहे वो बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, जो हुक्के भर रहा है इन पार्टियों के लिए, इनके झंडे डंडे उठा रहा है, और जिन्होंने अपने घर का सत्यानाश कर लिया, जमीन बेच दी, प्लाट बेच दिए, और 20 साल से तेल फूंक रहे हैं, मतलब तेल फूकने का मतलब जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया और आज उनको टिकट नहीं मिलती है, तो भाई लाखों करोड़ों रुपया आप लोगों ने पहले फूक लिया, तो थोड़ा सा और रेक्स लेके, और अब इस समय है अपने निर्दलीय की भूमिका में तैयार हो जाओ और गांव गांव जाने लग जाओ। आप वाक्य में आप सीट निकाल लोगे अगर जो 20 साल से सक्रिय है, 10 साल से सक्रिय है, लाखों रुपया खर्च कर लिया, तो उसकी सीट को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस से हरियाणा वासियों का मोह भंग हो चुका है, खासकर इनके विधायकों से। कोई भी विधायक में ताकत नहीं है। अगर बात करें आज हरियाणा मांगे हिसाब जो दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में चल रही है जो जनसभा, उसमें सिर्फ 3 या 4 हजार एक विधानसभा से कार्यकर्ता जुड़ रहे, और उसमें से भी 1500 बाहर के निकाल दो दूसरे विधानसभाओं से, तो 1500 व्यक्तियों को लेकर ये घूम रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरी तरफ अभी शैलजा जी भी अपनी निकाल रही है, वो भी जन यात्रा, पता नहीं क्या नाम है उसने भी रखा है, उसके पीछे भी वो 1000-1200 व्यक्ति हैं। तो इस कारण से सबका, पूरे हरियाणा वासियों का इनसे मोह भंग है, चाहे कितना बड़ा लीडर हो चाहे कितना छोटा विधायक हो, मोह तो भंग है। तो निर्दलीयों की भूमिका सबसे ज्यादा आज के दिन निकल रही है। नमस्कार, जय हिंद भाई।